नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टेस्ट लेके आए रियली इज सो डेंजरस, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि हमें एक मालूम भी करना था एक्चुअली इतने ख़राब मौसम में भी आपको किस तरीके की कनेक्टिविटी मिलती है 5G पे। जैसे कि बात करें आपको कितनी स्पीड मिलेगी इस डरावने मौसम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से हवा चल रही थी जो कि कनेक्टिविटी इशू सबसे ज़्यादा होता है। और हवा के साथ सबसे ज़्यादा डेंजरस था पानी, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी को ख़राब करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पे बात की जाए तो जो रिज़ल्ट थे 5G नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा चौंका देने वाले थे। चलते हैं सीधे लाइव डेमो पर किस तरीके से मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। तो दोस्तों फाइनली बहुत तेज बवंडर आया हुआ है यहाँ पे और बहुत गंदी बारिश पड़ रही है, कुछ आपको शायद दिख पाए तो अभी मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूँगा। बट हम बात करेंगे स्पीड टेस्ट की, से बात करें आप हमारे चैनल पर फर्स्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए इस तरीके की ड्रावनी एंड डेंजरस एंड यूजफुल वीडियो हम रेगुलर आपके लिए लेके आते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो बहुत तेज बारिश पड़ रही है, थोड़ा सा दिखाऊँ तो मैं आपको ये देख दिया। तो यहाँ पे बहुत तेज बारिश है और हम एक बार और स्पीड टेस्ट करें तो, ओ माय मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं गूगल पे चेक कर रहा था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ तो 700 mbps तक की स्पीड और हैवी बारिश, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में रियली, कि आंधी तूफान से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जब आप अच्छा इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, वो भी 5G का। लेकिन यहाँ पे तो बात हुई सिर्फ डेंजरस मौसम की, लेकिन हमें नॉर्मल स्पीड कितनी मिली थी। जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो गया और तब नॉर्मल कंडीशन में था, फिर हमने चेक किया, जो हमें सबसे पहले स्पीड चेक करने के लिए मिलती है वो 932 mbps की मिलती है। कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं दिया, जहाँ पे हमें 700-800 mbps की मिल रही है वहाँ पे हमें 900 तक मिल रही है इस। और ये जो टेस्ट था ये टोटल मिला के हमने 3500 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे कंडक्ट किया था। और सेकंड राउंड में जो हमें स्पीड मिलती है वो 1064 mbps की मिलती है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, मतलब 1 gbps की स्पीड। और इतने अच्छे मौसम में नहीं, क्योंकि बारिश होने के बाद कनेक्टिविटी इशू रहता है क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है हवा में, लेकिन तब भी 1 gbps की स्पीड हमें मिल रही थी। और नॉर्मली जैसे कि प्रॉपर ड्राई मौसम में हमें 1200-1300 mbps की स्पीड मिलती है, जो कि अराउंड 1.25 gbps की स्पीड होती है। लेकिन ये इंजॉयमेंट आप एक्सपेक्टेशन 4G पे कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक बार टेस्ट किया था लेकिन अभी करेंटली नहीं किया, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉपनेस था। और ये 5G बहुत ज़्यादा, मतलब बात की जाए तो जो वेव फ्रिक्वेंसी होती है बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन एनी कंडीशन, वो आपको इस तरीके की हो या किसी भी तरीके की, डजंट मैटर, लेकिन आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।